Hello students, welcome to my YouTube channel Fearless Studies, and today we are discussing about the rest of the cell organelles. As we have already completed endoplasmic reticulum and Golgi apparatus or Golgi bodies, today we are start with lysosomes. Okay, so the lysosome is waste disposal system of the cell. Okay, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें अगर वेस्ट डिस्पोज करना है, उसको बॉडी में से बाहर निकलना है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रीशन होता है और यूरिनेशन होता है, जिससे हम वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो छोटा, सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है सेल, वो भी तो कोई प्रोसेस करने के बाद वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता होगा, तो वो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, दीज लाइसोसोम्स आर कीपिंग द सेल क्लीन। ओके, अगर वेस्ट सेल में से बाहर चला जाएगा तो सेल जो है वो क्लीन हो जाएगा। अभी वो वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करता है या फिर सेल को कैसे क्लीन करता है वो यहाँ पे लिखा है, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स प्लस वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, वो डाइजेस्ट कर लेता है अगर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया है। देखो कौन कौन सा फॉरेन मटेरियल यहाँ पे लिखा भी है, बैक्टीरिया और फूड। ओके, फूड जो है तो वो भी बाहर से आएगा, बैक्टीरिया है तो वो भी बाहर से आएगा, दैट मीन्स कि वो फॉरेन मटेरियल हुआ। ओके, तो जो फॉरेन मटेरियल्स है, ठीक है, फूड है तो उसमें से न्यूट्रिशन लेना है तो उसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी उसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया वो हार्मफुल हो सकता है, तो हार्मफुल है तो उसको भी, उसके सामने भी तो हमें फाइट करनी पड़ेगी, सेल को फाइट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया के सामने फाइट करता है वो है लाइसोसोम्स। ओके, क्योंकि वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है, और फूड है तो फूड को भी डाइजेस्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स एंड ऑल ऑर्गेनल्स। ओके, जो भी ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो पुराने सेल होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के बाद डेथ हो जाते हैं और उसके बाद न्यू सेल जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कि अगर सेल में कोई ओल्ड ऑर्गेनल्स है जो अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ओल्ड ऑर्गेनल्स जो है उसको भी डिस्कार्ड या डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। ओके, नाउ वो लाइसोसोम है ये फॉरेन मटेरियल और ओल्ड ऑर्गेनल्स को कैसे डिस्पोज करता है वो नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे। सो लाइसोसोम इज हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको उसमें से एनर्जी या न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन है कि अगर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको फूड को ब्रेक डाउन करना होगा। अभी ये फूड है वो तो ऑटोमेटिक तो ब्रेक डाउन होने वाला नहीं है, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम, सेम एज इन बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया है तो उसके सामने फाइट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। लाइसोसोम आया और बोला कि हाँ मैं तेरे सामने फाइट करूंगा, पर उसके पास हथियार ही नहीं होगा तो वो कैसे फाइट करेगा। सो समझ लो कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो हथियार भी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिखा है दैट ब्रेक डाउन अननेसेसरी मटेरियल्स, दैट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, तो जो भी मटेरियल्स है जो अननेसेसरी है उसको ब्रेक डाउन करेगा, फूड है तो उसमें से ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशन लेगा। देन आफ्टर, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म सेल विल डैमेज। ठीक है, अगर समझ लो कि ह्यूमन बॉडी है, मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ह्यूमन बॉडी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, आपको पता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे सेम है कि अगर हमारी बॉडी में हमें अगर फीवर आता है, ठीक है, तो हम फील करते हैं कि हमारा बॉडी में कुछ डैमेज हुआ है। सेम कंडीशन है कि अगर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर दैट मीन्स के सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई केमिकल एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिज्म दैट मींस वन काइंड ऑफ केमिकल एक्टिविटी या बायोकेमिकल एक्टिविटी, तो ये जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो डैमेज्ड हो जाएगा। और अगर वो बहुत ज्यादा डैमेज है तो क्या होगा कि लाइसोसोम्स, उसमें जो सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट है वो फट जाएगी और उसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपने ही खुद के ही सेल को मार डालेंगे। तो यहां पे वही लिखा है दैट लाइसोसोम्स burst and release its powerful
सक्सेसफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट ओन सेल। और ये क्या है कि अगर डैमेज हुआ है और अपने आप से ही अपने सेल को मार रहा है, तो इसीलिए लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। पहले क्या बोला था, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, बट टूगेदर विथ वेस्ट डिस्पोजल इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स टेक अ लुक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम फर्स्ट। तो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो कि कैसे एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है और उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको दिखाए हैं। तो ये इतना ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ही वही लिखा है दैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है वो कौन बनाता है, RER, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, उसके अलावा आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर एक और फिगर है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे फूड जो है वो एंडोसाइटोसिस दैट मींस के सेल के अंदर आ रहा है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म हो रही है जिसको उसने बताया है फूड वैक्यूल्स। ये जो फूड वैक्यूल्स है आपको आगे भी पढ़ने में आएगा जब हम वैक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फूड वैक्यूल्स है देन आफ्टर मिक्स्ड विद लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स के पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो फूड वैक्यूल्स के साथ मिक्स होकर फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, और जो वेस्ट मटीरियल है वो एक्सोसाइटोसिस दैट मीन सेल से बाहर निकालेगा। किसको बाहर निकालेगा, जो वेस्ट मटीरियल है। तो आपकी बुक में लाइसोसोम के रिलेटेड इतना ही है, आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो और इतना डिटेल में लिखोगे इतना काफी है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड यू नो वेरी वेल दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द लाइफ। आप प्रीवियस एकेडमिक ईयर में भी पढ़ के आए हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर हाउस। पावर हाउस आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हो कि पावर हाउस क्या होता है, ठीक है। तो पावर हाउस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घर घर तक एनर्जी पहुंचाता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला है, दैट मींस क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होगी जिससे एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी जो है वो सेल के अदर काम के लिए, अदर वर्क जो है उसके लिए यूज होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी। क्यों एनर्जी की जरूरत है, टू डू वेरियस एक्टिविटीज। ओके, नाउ जो एनर्जी जनरेट होता है, जैसे हमने बोला कि जो नॉर्मल पावर हाउस है जो हम ह्यूमन बीइंग देखते हैं, ठीक है, तो वो पावर हाउस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ATP के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। एंड व्हाट इज ATP, फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो ट्राइफॉस्फेट है ना, उसमें क्या होगा कि तीन फॉस्फेट ग्रुप होंगे जो एडेनोसाइन से अटैच होंगे, और जब ये फॉस्फेट के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन होगा, तो इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी, और वो जो एनर्जी जनरेट होगी वो हम वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे। ओके, ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, जो ATP में एनर्जी स्टोर्ड है वो किस काम के लिए यूज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैकेनिकल वर्क, दैट मीन्स कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो सेल है तो सेल में एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनल्स को मूव करना, प्रोटीन्स को मूव करना, या कोई भी ऐसी मूवमेंट वाली एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क के लिए हमें ATP चाहिए। एंड सेकेंड, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, दैट मीन्स इधर प्रोटीन बनाने के लिए, या फिर विटामिन बनाने के लिए, या फिर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जिससे कुछ नया केमिकल कंपाउंड बनता है, तो वो केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए भी हमें ATP, दैट मींस एनर्जी की जरूरत है। नाउ स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया लुक में कैसा है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। इसमें क्या होगा कि दो लेयर होगा, मतलब मेम्ब्रेन जो है उसमें दो लेयर होगा, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। ओके,
सो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस. पोरस दैट मीन्स के वो किसी को भी एंट्री दे सकता है. अगर पोरस है तो वो इजीली किसी को भी एंट्री दे सकता है. बट ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड है. और हाईली फोल्डेड होने से क्या होगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगा. और सरफेस एरिया बढ़ेगा क्योंकि जो एटीपी जनरेशन होता है ना वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है. तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा एटीपी जनरेशन होगा और इसकी वजह से सेल को ज्यादा एनर्जी मिल सकती है. ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है उसमें से सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, वो दो ही ऑर्गेनल ऐसी है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है. अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक जो मेन न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. तो ये सिर्फ याद रखना है. ओके, और लेट्स टेक अ लुक ऑफ फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो आप फिगर में देख सकते हो कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यू कैन सी इन द फिगर, एंड देन द फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, एंड दैट फोल्डेड पार्ट इज नोन एज क्रिस्टी. ओके, इनसाइड ऑफ द क्रिस्टी इज नोन एज मैट्रिक्स. और जो मैट्रिक्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा जो आपको फिगर में दिखाया है. आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट यू हैव टू ड्रॉ, बिकॉज अगर आप कोई फिगर ड्रॉ करोगे तो जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर सबसे पहले आपकी जो इमेज है जो फिगर है वो एग्जामाइन करेगा और वो देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है. तो अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो उसकी अच्छी इम्पैक्ट रहेगी और इसकी वजह से आप ज्यादा मार्क्स गेन करने में भी आगे रह सकते हो. इससे ज्यादा मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेट स्टार्ट विद प्लास्टिड्स. ओके, सो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ओके, प्लास्टिड दैट मींस के आपने क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, ठीक है ना. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है. ओके, तो समझ लो कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स एंड दैट इज द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. यहाँ पे नाम से ही समझ में आता है, क्रोमो दैट मीन्स रिलेटेड टू कलर. ओके, एंड ल्यूकोप्लास्ट दैट मीन्स कलरलेस. तो याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड है और ल्यूको प्लास्ट इज कलरलेस. ओके, नाउ अगर कलर्ड है तो कलर कौन देगा उसको, पिगमेंट. पिगमेंट जो है इसकी वजह से ही ये प्लास्टिड्स कलर्ड रहते हैं और इसमें प्लास्टिड्स कलरलेस है दैट मीन्स के वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे वेल नोन एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट विच इज वन काइंड ऑफ प्लास्टिड्स एंड उसमें क्लोरोफिल होता है जो पिगमेंट है और वो जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. बट नॉट ओनली क्लोरोफिल, सम अदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स आर ऑल्सो देयर एंड वन एग्जाम्पल इज गिवन इज कैरेटिनॉइड्स. ओके, तो इतना आपको याद रखना है दैट प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमो दैट मीन्स कलर्ड एंड ल्यूको दैट मीन्स कलरलेस. अभी कलर आया है दैट मीन्स रिलेटेड टू पिगमेंट. तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट एबसेंट होगा. अभी सबसे वेल नोन एग्जाम्पल क्रोमोप्लास्ट में क्या है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड अदर देन दैट ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट सम येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स आर ऑल्सो देयर एंड वन एग्जाम्पल इज कैरेटिनॉइड्स. ओके, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है ना तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसका फंक्शन क्या है. सो द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट आर स्टोर्ड स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. ओके, इसको स्टोर करना पड़ेगा. ये जो है स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो ये बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो स्टोर करने का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड दोनों बीच दो जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस. सेम यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट में
में भी टू मेम्ब्रेन कवरिंग है। सबसे पहले फिगर देख लो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन देखोगे तो दोनों का सेम है, बट इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फोल्डेड है, बट अगर इनर मेम्ब्रेन जो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है वो सिंपल सर्क्यूलर फॉर्म में है। ओके, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको यहाँ पे क्या बोला है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अभी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पोर्शन है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, और वो एक्वियस पोर्शन होता है, मतलब कि जेली जैसा पोर्शन होता है। अभी ये जो स्ट्रोमा है उसमें बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, तो जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड। और ये जो थाइलेकोइड जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो एक के ऊपर एक जॉइंट होके क्या बनाएगा, ग्रैनम। ओके, अगर सिंगल है तो ग्रैनम, और अगर बहुत सारे स्टैक्स है, बहुत सारी ऐसे थाइलेकोइड की थप्पियां प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेना। ओके, नाउ जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन, और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जिससे जॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे लैमेला। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना है। ये फिगर सबसे इजीएस्ट फिगर है, अगर आप रियलिटी में देखने जाओगे क्लोरोप्लास्ट को तो आपके स्क्रीन पे देखो वो कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, बट आपको ये फिगर एग्जाम में ड्रॉ करनी है टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, तो इसीलिए ये इजी फिगर को कंसीडर करो, और उसमें याद रखना जरूरी है कि स्ट्रोमा क्या है, थाइलेकोइड क्या है, ग्रेनम क्या है, लैमेला क्या है। ओके, सो लेट्स गो टू द इंफॉर्मेशन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन सिमिलर टू डेट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कैसा था माइटोकॉन्ड्रिया में, पोरस था, तो यहाँ पे भी वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस रहेगा। नाउ इनर मेम्ब्रेन हैव कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर के साइड क्या प्रेजेंट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी फिगर में समझाया कि स्ट्रोमा है जो एक्वियस स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स दैट मीन्स के जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, और ये जो थाइलेकोइड है एक के ऊपर एक जॉइंट होके क्या बनाते हैं, ग्रैनम। अगर सिंगुलर है तो ग्रैनम, अगर प्लूरल है तो ग्रेना। ओके, और मैंने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया तभी ही बताया कि दो ही ऑर्गेनल्स है जिसके पास उसका खुद का डीएनए है, दैट आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। तो यहाँ पे वही लिखा है, हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट और लास्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज द वैक्यूल्स। ओके, नाउ व्हाट इज वैक्यूल्स एक्चुअली। ओके, तो अगर आपको वैक्यूल्स की कंपैरिजन करनी है किसी के साथ तो आप उसकी कंपैरिजन कर सकते हो बलून के साथ। ओके, जैसे आपके पास एक बलून है, अगर बलून में आप वाटर फिलअप करोगे तो वो वाटर को स्टोर करके रखेगा, कब तक स्टोर करेगा, जब तक कि वो बलून फट नहीं जाता। ओके, सेकंड थिंग, अगर किसी के बर्थडे है और बर्थडे में वही बलून के अंदर अगर हमने थर्मोकोल बॉल्स डाले हैं, और थर्मोकोल बॉल्स डालने के बाद वो बलून को जब तक हम फोड़ नहीं लेते तब तक वो स्टोर करके रखता है, तो सेम कंडीशन है। वैक्यूल्स भी एक बॉल मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इधर लिक्विड या फिर सॉलिड कंटेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ओके, नाउ साइज ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो है उसकी साइज एनिमल सेल में भी डिफरेंट होती है, प्लांट सेल में भी डिफरेंट होती है। एनिमल सेल्स है तो उसमें स्मॉल साइज है, अगर प्लांट सेल है तो उसमें वैक्यूल की साइज लार्ज है। लार्ज मतलब इतनी लार्ज हो सकती है कि जो पूरा सेल का एरिया है वो सेल में से 50-90% जो स्पेस है वो ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेती है। ओके, नाउ प्लांट सेल्स है तो इसमें इतने लार्ज वैक्यूल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे वाटर और मिनरल्स फूड मटेरियल जो मूव करता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उसके लिए हमें सेल सैप बनाना पड़ता है। देखो यहाँ पे
लिखा भी है दैट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप. व्हाट इज सेल सैप एक्चुअली? वो कोई भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वाटर कंटेंट है, तो वो पूरा लिक्विड या एक्वियस मटेरियल बना के रखता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल शेप. और ये जो सेल शेप है, इसकी वजह से ही हमें टर्जिडिटी और रिजिडिटी ऑफ द सेल. टर्जिडिटी और रिजिडिटी दैट मीन्स के सेल जो है उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने का काम ये सेल शेप की वजह से होता है. और सेल शेप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स में. तो वैक्यूल्स जो है वो सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ अदर फंक्शन ऑफ दैट वैक्यूल्स is stored amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. Okay, ये जो amino acid that means के छोटे छोटे amino acids जो है वो जोड़ के protein बनते हैं. sugars मतलब जो glucose है वो आपको पता ही है. organic acid and some proteins, ये सारे important biomolecules है जिससे food nutrient ले सकता है. okay, तो उसका storage भी कहाँ पे होगा? vacuoles में. now in amoeba, अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल फूड वैक्यूल्स होते हैं. फूड को इंटेक करना है. हमने आगे जब लाइसोसोम्स पढ़ा उसमें ही आपने देखा कि कैसे फूड वैक्यूल्स बना होता है, ठीक है ना. तो सेम कि जब भी अमीबा को फूड या न्यूट्रिएंट को इंटेक करना होता है तो एट दैट टाइम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनती है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स. ओके, इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स vacuoles expel out excess water and waste from cells. जैसे हमने देखा था कि digestion होने के बाद ऐसी ही एक vacuoles बनती है और vacuoles के बाद exocytosis होता है. तो जो भी waste material है या ज्यादा amount में जो water है उसको cell में से release करने का काम भी कौन करता है? vacuoles. Okay. तो वैक्यूल्स में आपको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन याद रखने हैं. ओके, कि वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है? कि सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करके रखना. ओके, फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल में उसकी साइज कितनी है? प्लांट सेल में साइज बड़ी है तो बड़ी क्यों है वो रीजन आपको याद रखना है. कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स को स्टोर करके रखता है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स क्या रोल प्ले करता है. ओके, तो जैसा कि हमारा टॉपिक था, हमारा यूनिट था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारे सेल्स पढ़े, सेल के स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो मेन स्ट्रक्चर है कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वो पढ़े. उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है वो पढ़ा. तो ऑलमोस्ट हमने सेल के रिलेटेड हर एक स्ट्रक्चर पढ़ा. और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे रेस्पिरेशन दैट मीन्स के ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने में, न्यूट्रिशन दैट मीन्स के फूड अपटेक में, क्लियरिंग वेस्ट मतलब की जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल के बाहर निकालने में, और फॉर्मिंग अ न्यू मटेरियल जैसे कि प्रोटीन है, वाइटामिन है, उसको बनाने में, ये सारे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स कैसे हेल्प करते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया. तो इसीलिए जो अपना सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. ओके, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है. और अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो देन प्लीज कम टू मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो.